प्रिय बच्चों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसमें पाठ का नाम है नारी शिक्षण। तो आप लोग बुक ओपन करके तैयार हो जाएं। ओके, आइए देखते हैं। नारीणां कृते शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। नारीणां, नारियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता महती बहुत आवश्यकता होती है। नारियों के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। एतस्मात् कारणात् ताः एव समय प्राप्ते मातरो पितरो शिक्षां ददति। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से ही ताह उन्हें समय रहते ही मातरो पितरो माता पिता शिक्षां ददाति, शिक्षा देते हैं। इसी कारण से ही उन्हें माता पिता समय रहते ही शिक्षा देते हैं। यथा मानवीय शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते, तथैव नारीभ्यः अपि शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। यथा मानवीय, जिस प्रकार से मानव के लिए शिक्षा श्रेष्ठ होती है, तथैव उसी प्रकार से नारीभ्यः अपि नारियों के लिए भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। यथा मातरो भवन्ति, यथा जैसी माता होती है, भवन्ति होती है मातरो माता, जैसी माता होती है तथैव संततिर्भवति, उसी तरह की संतान होती है। यदि मातरो पितरो अशिक्षिताः विद्याशून्याः कर्तव्यहीनाश्च सन्ति, तर्हि सुताः पुत्राश्च तथैव अविद्याग्रस्ताः कुशलरहिताः च भविष्यन्ति। यदि मातरो पितरो अशिक्षिताः, यदि माता पिता अशिक्षित हों, विद्या शून्य हों, कर्तव्यहीन हों, तो सुताः पुत्री और पुत्र भी विद्या से रहित यानी अनभिज्ञ और कुशलता से रहित होंगे। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यदि माता पिता अशिक्षित, विद्या शून्य और कर्तव्यहीन होंगे, तो उनके पुत्र और पुत्री भी विद्या से ग्रसित कुशल रहित होंगे, विद्या से ग्रसित और कुशल रहित होंगे। आगे देखिए। यदि नार्यः शिक्षिता सन्ति, यदि नारी शिक्षित होगी, तर्हि तो ताः स्वपुत्राणां पालने रक्षणे शिक्षणादिकं सम्यक रूपेण करिष्यन्ति। यदि स्त्री शिक्षित होगी, तर्हि तो ताः स्वपुत्राणां पालने, तो अपने पुत्रों के पालन करने, रक्षा करने और शिक्षा देने में कुशल होगी। अस्मिन् प्रकारेण तासां संततिः विद्यायुक्ताः हृष्टपुष्टा सद्गुणोपेताः च भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रकारेण, इस प्रकार से तासां संततिः, उनकी संतानें विद्यायुक्त हृष्टपुष्ट और सद्गुणों से युक्त होंगी। अतएव इसलिए महानिर्वाण तंत्र में भी अपि उक्तम भी कहा गया है, अस्ति है
एक बार इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। अतएव इसलिए महानिर्वाण तंत्रे महानिर्वाण तंत्र में अपि भी उक्तम अस्ति कहा गया है। इस प्रकार महानिर्वाण तंत्र में भी कहा गया है कन्याप्येव पालनीया शिक्षणानि प्रयत्नः। कन्या का भी पालन करना चाहिए और उन्हें शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। हेसु सज्जाते बालिकाः एव गृहस्थाश्रमे प्रविशन्ति। विवाहेषु सज्जाते विवाह के बाद या विवाह के ऊपर बाद बालिका ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है। विवाह के उपरांत बालिका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है। यदि विद्वान पुरुषस्य स्त्री च विद्या शून्या भवति। यदि विद्वान पुरुषस्य विद्वान पुरुष की स्त्री और च है इसलिए और यहाँ जोड़ देंगे। और यदि विद्वान पुरुष की स्त्री विद्या शून्या भवति, विद्या शून्य अर्थात अशिक्षित होगी, तो विद्याया अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति। तो विद्या के अभाव में स्त्री अपने कर्तव्य को नहीं जानती। अतएव बहवो रोगाः व्याधयः। इस प्रकार से बहवो रोगाः बहुत से रोग व्याधि और व्याच्या है इसलिए और जोड़ देंगे रोगाः और व्याधि तत्र अस्थानं कुर्वन्ति। रोग और व्याधि स्थान ले लेते हैं यानी रोग और व्याधि से ग्रसित हो जाती है। अतः नारीणाम अपि शिक्षा पुत्राणाम शिक्षावदेव आवश्यकी वर्तते। अतः इसलिए नारीणाम अपि शिक्षा नारियों के लिए भी शिक्षा पुत्राणाम शिक्षा देव पुत्रों को शिक्षा देने के लिए अत्यधिक आवश्यक है या अति आवश्यक है। तो इसलिए नारियों की शिक्षा भी पुत्रों को शिक्षा देने या नारियों को शिक्षित होना भी पुत्रों को शिक्षा देने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नार्यः मातृशक्तेः प्रतीका भूताः सन्ति। नारी मातृशक्ति का प्रतीक होती है। अतः तासाम सदा सम्मानः करणीयः। अतः इसलिए तासाम उनका सदा सदैव सम्मानः सम्मान करणीयः करना चाहिए। अतः इसलिए उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। यस्मिन् देशे समाजे च नारीणां सम्मानः भवति। यस्मिन् जिस देश में सप्तमी विभक्ति है इसलिए मे चिन्ह आया हुआ है। च समाजे और समाज में नारीणां सम्मानः भवति नारियों का सम्मान होता है। सह देशः समाजः च उन्नतिं करोति। तो उस देश और तो वह देश और समाज उन्नति को प्राप्त करता है। एक बार इसका पूरा एक साथ देख लेंगे। जिस देश और समाज में नारियों का सम्मान होता है वह देश और समाज उन्नति को प्राप्त करता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ नारियों की पूजा होती है तत्र रमन्ते देवता वहाँ देवता निवास करते हैं। अतः देशस्य समाजस्य च उन्नतेः श्रीविद्धये च स्त्री शिक्षा अत्यंता आवश्यकी वर्तते। अतः इसलिए देश के च समाजस्य और समाज की उन्नतेः उन्नति के लिए श्री वृद्धेः च और धन वृद्धि के लिए
या स्त्री वृद्धि के लिए या लक्ष्मी वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा अत्यधिक आवश्यक होती है। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए हम धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।